आज तकनीकी शिक्षा विभाग की मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। शाम 6 बजे कानपुर मंडल में कोविड कंट्रोल और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। उत्तर प्रदेश में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को योगी सरकार की मंजूरी। लखनऊ गोरखपुर में किया जाएगा वैक्सीन का ट्रायल। यूपी के सरकारी और निजी अस्पतालों में आज से ओपीडी और दूसरी सेवाएं शुरू। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश में बंद थी ओपीडी सेवा। एसआईटी ने पूरी की महोबा कांड की जांच। हत्या से पहले खनन कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर लगाए थे आरोप। यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित फिल्म सिटी में निवेश की पेशकश। सिंगापुर की एक मीडिया कंपनी प्रोजेक्ट में करना चाहती है $1 करोड़ का निवेश। बहराइच मेडिकल कॉलेज के निर्माण में करोड़ों का घोटाला। उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के 5 अफसरों समेत 35 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोरोना प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने की बात। यूपी में 1.5 लाख प्रतिदिन हो रहे कोविड टेस्ट पर प्रधानमंत्री ने की योगी सरकार की तारीफ। बागपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए 2 इनामी बदमाश। दोनों पर था 25,000 का इनाम। देवरिया में पुलिस ने अंग्रेजी शराब तस्करों को पकड़ा। पकड़ी गई शराब की कीमत 4 लाख रुपए। आपुर में पुलिस ने एक गौ तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 50 किलो प्रतिबंधित मांस समेत एक तमंचा और कारतूस बरामद। आजमगढ़ पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ललितपुर में खेत में कुएं में मिला महिला और बच्ची का शव। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कौशाम्बी में बच्चों के विवाद पर पड़ोसी ने किया दंपत्ति पर हमला। हमले में महिला की मौत। मामले की जांच से जुड़ी पुलिस। गोंडा में आरटीओ ऑफिस और सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी की कार्रवाई। दलालों को पकड़ने के लिए चलाया था अभियान। महोबा में बिजली की समस्या से परेशान है लोग। भाजपा विधायक ने पावर हाउस जाकर जल समस्याओं को दूर करने के निर्देश। लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर। एक महिला सहित 3 लोग घायल। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में करा भर्ती। आजमगढ़ में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। मौके पर हुई युवक की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चित्रकूट के कंठीपुर में बाइक से चेक डैम क्रॉस करते समय ग्रामीण युवक का पिपरावल नदी में बहा। युवक का अब तक सुराग। मथुरा पुलिस ने 4,000 के इनामी बदमाश तौफीक को किया गिरफ्तार। राजस्थान से फरार था आरोपी। अमरोहा में एंटी करप्शन टीम ने 3,000 की रिश्वत लेते हुए लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ा। खतरा के नाम चढ़ाने के लिए ली थी रिश्वत। रामपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को किया गिरफ्तार। चोरी की एक कार 3 मोटरसाइकिल समेत तमंचा और कारतूस करा। अलीगढ़ पुलिस ने 4 चोरों को किया गिरफ्तार। 10 लाख का सामान बरामद। झांसी के मऊरानीपुर में नवविवाहिता की हत्या के मामले में पति समेत 5 लोग हिरासत में। ससुराल पर दहेज के लिए परेशान करने का। महोबा में व्यापारी की हत्या के विरोध में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। गोरखपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत। अमीरपुर में कृषि बिल के विरोध में मंडी आढ़तियों ने काम किया बंद। लाखों का व्यापार हो रहा है प्रभावित। बरेली में पूर्वांचल विद्युत निगम के कर्मचारी चलाएंगे ज्ञापन अभियान। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। बरेली में बैंक एटीएम उखाड़ने की कोशिश करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। एक की तलाश अभी भी जारी। मुरादाबाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। हत्या के बाद शव को सड़क पर फेंका। आजमगढ़ में पुलिस की कार्रवाई। फायरिंग कर भाग रहे 6 अपराधियों को पुलिस ने दबोचा। फतेहपुर में लाइट सुधारने बिजली के खंभे पर चढ़े 22 साल के युवक की मौत। करंट लगने से गई युवक की जान। बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे बुजुर्ग से 1,20,000 की लूट। पुलिस जांच में। जिला जेल की व्यवस्थाओं का डीएम और जिला जज ने किया निरीक्षण। कैदियों के खाने और साफ सफाई का लिया जायजा। आगरा में कोरोना की वजह से लोग नहीं कर रहे हैं ताज का दीदार। आगरा पर्यटन उद्योग की चमक पड़ रही है।
अवैध कब्जों को लेकर सीएम योगी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। अब सरकारी संपत्ति पर कब्जे की अवधि का किराया भी वसूलेगा प्रशासन। यूपी के हरदोई में वेपन फैक्ट्री स्थापित करेगी ब्रिटिश हथियार कंपनी वेबले एंड स्कॉट। नवंबर में भारतीय कंपनी के साथ पहली यूनिट की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाराबंकी के एक किसान ने केले का गुच्छा भेंट किया। सीएम आवास पहुंचे बाराबंकी के रहने वाले पद्मश्री रामचरण वर्मा ने सीएम योगी से मुलाकात कर केले का गुच्छा किया। लखनऊ में लगातार खराब होती एयर क्वालिटी इंडेक्स ने बढ़ाई चिंता। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने खराब हवा के लिए सड़कों पर उड़ने वाली धूल को कारण बताया। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग के साथ उसके दो बेटों ने की बेरहमी। बीच सड़क अपने बूढ़े पिता को घसीटा आरोपी बेटे गिरफ्तार। अयोध्या शोध संस्थान में अगले एक साल तक श्रद्धा शिल्प संग्रहालय नहीं देख सकेंगे। शोध संस्था में रिनोवेशन का काम एक साल के अंदर पूरा होगा काम। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में किराना कारोबारी के घर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। हजारों रुपए और लाखों के जेवर। हरदोई में ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस ने हत्या के मास्टरमाइंड पांचवें आरोपी को गिरफ्तार किया। 31 अगस्त को हरदोई में जमीन विवाद में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या की गई थी। पुलिस चार आरोपी को पहले ही भेज चुकी है जेल। पीलीभीत में सिलेंडर फटने से लगी आग। आग बुझाने पहुंचे दो लोग भी झुलसे। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान में 3 लाख की अवैध शराब बरामद की। दो आरोपी गिरफ्तार। दो फरार। थाना दादरी के सेक्टर MU2 का मामला। कौशाम्बी में दो बाइक की टक्कर। दोनों बाइक सवारों के बीच जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में मंचले के बीच सड़क पिटाई। युवती से छेड़छाड़ करने के आरोप में लोगों ने की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी में एक होटल में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आग से हजारों के नुकसान की आशंका। कोतवाली थाना क्षेत्र के मिनरवा चौराहे के पास एक होटल का मामला। पीलीभीत में बाइक सवार दो लोगों की सड़क हादसे में मौत। तेज रफ्तार बस की टक्कर से हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लिया। आरोपी ड्राइवर फरार। झांसी में बिजली संविदा कर्मी की अवैध वसूली के मामले में खबर दिखाने के बाद हुई कार्रवाई। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबर दिखाए जाने के बाद अधिशासी अभियंता ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी संविदा कर्मियों को नौकरी से हटा दिया। सीतापुर में आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने के सामान के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कमलापुर थाना इलाके का मामला। कोरोना काल की भेंट चढ़ा बाराबंकी का मशहूर देवा महोत्सव। कोरोना संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने रद्द किया मेला। लोगों ने प्रशासन के फैसले का किया स्वागत। मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। 50,000 के इनामी बदमाश पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। कानपुर में युवतियों का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का मामला। एसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सीओ रसूलाबाद को जांच सौंपी। प्रेमी युगल का चुपके से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का। जौनपुर के एक युवा किसान ने पूर्वांचल से रासायनिक खाद समाप्त करने का बीड़ा उठाया। ये किसान खुद जैविक खाद तैयार कर अपने खेतों में इस्तेमाल करता है। साथ ही आसपास के सैकड़ों किसानों को जैविक खाद बनाने की विधि बताकर खेतों में प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। बहराइच में लापरवाह 8 पुलिसकर्मियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। सभी पर शराब पीकर हंगामा करने का आरोप है। इस मामले की जांच एसपी सिटी को सौंपी गई।